हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं आदि बद्री टेम्पल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आदि बद्री जो है वो प्राचीन मंदिरों का समूह है। पंच बद्री जो कि ध्यान बद्री, योग बद्री, विशाल बद्री और भविष्य बद्री और पाँचवा है आदि बद्री, उसमें से एक होता है। यहाँ पे पूर्व में 16 मंदिर थे, अभी यहाँ पे वर्तमान समय में 14 ही शेष हैं। और इनकी स्थापना का जो माना जाता है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। फ्रेंड्स, ये है विष्णु मंदिर जो कि यहाँ का मेन मंदिर है और यहाँ पे विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में पंडित जी बता रहे थे, क्योंकि इस मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं होता, मंदिर में वैसे भी कैमरा अलाउ नहीं होता, तो मैंने उनकी वॉइस को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था और वो उतनी साफ नहीं आई है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि इससे आगे आप हेडफोन यूज करें। और यहाँ पे ट्रेनिंग में खड़े हुए विराजमान इधर चल रहे भगवान जी का, जहाँ पे चल रहा है ये फिर हो गया तेरा नियम वही है बजना जी वाला, जैसे बोलते ना अभिषेक जी वाला, ये सुबह 5 बजे तो मेरे को भोग होना, शाम को फिर आरती, भगवान फिर में चले जाएंगे ना। हाँ, ऐसे करके महोदय 14 मंदिर का समूह है यहाँ पे, जैसे बोलते 32 पंचायत, जैसे मैन विष्णु जी है सामने बाहर हो गए गरुड़ की बराबर में, अन्नपूर्णा लक्ष्मी नारायण सत्रह, ऐसे करके बाबा जी 14 मंदिर है 14, लेकिन फर्क बदली कलाए गए सर आदि बदली, भगवान जी यहाँ खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में बैठे। जैसा कि फ्रेंड पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे 14 मंदिर हैं और 14 मंदिरों में जैसे विष्णु भगवान का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कुबेर मंदिर है, चक्रभान मंदिर है, जानकी माता का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, गणेश भगवान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो ऐसे करके यहाँ पे जो टोटल मंदिर हैं वो 14 हैं। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे आजकल इस मंदिर में श्रद्धालु बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरीके से ध्यान रखा गया है। गेट पे ही आपको सैनिटाइज़र मिल जाता है और लोग भी मास्क लगा के यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये मंदिर विज़िट करना है तो ये मंदिर पड़ता है NH 109 आदि बद्री उत्तराखंड में, और ये हर साल 14 जनवरी को ओपन होता है और 16 दिसंबर को इसके कपाट बंद होते हैं। अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो ऋषिकेश से श्रीनगर कर्णप्रयाग होते हुए आप आदि बद्री आ सकते हैं। और इसको अगर बेस्ट विजिट टाइम जो अगर इस मंदिर का है वो आप फरवरी से नवंबर के बीच में कभी भी यहाँ पे आके इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।